बिंबू का जमरा जो है अच्छी तरह से साफ करना चाहिए उसके बाद में, और जो ब्लेड बनाना है 3 मिलीमीटर रखना चाहिए दोनों बोथ साइड में, बड़ा जुटा होना नहीं चाहिए बराबर, और बोथ साइड में 3 मिलीमीटर रखने से वही सबसे बेहतर होगा। वो जमरा पेकने का बाद में और सिंदर में नाइफ से भी हो यानी कि दाव से भी हो सीधा इस तरह काट के चोड़ना चाहिए, तभी अपना सिकोल जाएगा। इसको 1 दिन रखने से जो अभी राउंड दिख रहा है अपना से ही खुल जाएगा और पूरा सीधा हो जाएगा, उसके बाद में आपको प्लेट को बनाना है, इसलिए मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। इस तरह है हम लोग नकलों, पहला जमाना में ब्लेड नहीं था, ये बिंबू से ब्लेड पाना कि हम लोग यहाँ से करना चाहता था, अभी भी हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, इतना अच्छा है। देखिए आप लोग सभी देख रहा होगा वो बिंबू जो है जमरा बेकने का बाद में इस तरह धूप में हो यानी कि छाया में हो इस तरह 1 दिन रखने से अपना से ऐसा खुल जाएगा। देखें कितना अच्छा से खुला है। इसके बाद में आप कौन सा साइज चाहिए उसको नापने का बात में है, आप वही साइड से ये ब्लेड को बनाना है, तो किस तरह बनेगा मैंने आप सभी को दिखाना है। और ये ब्लेड में खाना खाने से बहुत टेस्टी होता है, इसलिए आप लोग भी बांध सकने से मैंने दिखाएगा आप लोगों को, इसलिए बांध सकने से यहाँ से खाना खाने से बहुत टेस्टी होता है। तो हम लोग पहला जमाना में अभी जो इस्तेमाल करता है हम लोग ब्लेड था ही नहीं, इसलिए हम लोग फोर फादर टाइम से ये ब्लेड इस्तेमाल करके आया है ये बेम्बू का ब्लेड, इसलिए अभी भी हम लोग बहुत साथ में ये ब्लेड में खाना खा लेता है, ये ब्लेड इस्तेमाल करता है क्योंकि यहाँ खाना खाने से बहुत टेस्टी होता है। आपको ये ब्लेड बनाना चाहता है तो ये बेम्बू का ब्लेड बनाना चाहता है तो सिर्फ ये बेम्बू जो है जो बेम्बू बास बेचिला सल निकाला है वो ये बेम्बू से बन सकता है, अगर बहुत बुरा ना 2 साल 3 साल का बेम्बू होने से वो दूध जाएगा गारा हो जाएगा, इसलिए ये भी याद रखिएगा कि बेम्बू का ब्लेड बनाना चाहता है तो सिर्फ बिचला सा जो बेम्बू नया निकाला है वही बेम्बू से बनाएगा। ठीक है कितना अच्छा है, इसलिए मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, फिर किस तरह ब्लेड बनता है मैं आप सभी को वो भी दिखाना है, अच्छे से देखते रहना। अभी पूरा रेडी हो चुका है, अभी ब्लेड बनाने का दाली बनाने का है, इसलिए आपको दाली बनाना है तो पहला कौन सा साइज चाहिए आपको वो नापना चाहिए, नापने के लिए स्केल लाना चाहिए और पेंसिल, और कितना साइज चाहिए बैल आपको नापना चाहिए, 12 चाहिए ना जुट का चाहिए वो बैल नापना चाहिए अपना हिसाब से। अच्छा मैं अभी लेती हूँ, मैं 2 इंच का बनाता हूँ, 2 इंच ये हमें मैंने नापी कर लिया, अभी मैंने लंबी 2 इंच ले लिया और अभी साइड का जो है मैं लेता हूँ दोनों साइड में, और जितना बड़ा साइज चाहिए आपको ये मैं लेता हूँ 2.5 इंच, वो बोथ साइड में 2.5 इंच निकलना चाहिए, उसको तक ही देना चाहिए। मैं बस जाऊँ देखता हूँ, मैं 4 इंच एंड हाफ, उसके बाद इसको अच्छी तरह से इसको लाइन देना पड़ेगा, अभी लाइन पूरा हो गया। अभी इस तरह लाइन देने का बाद में वो नाइफ से थोड़ा इसको वो लाइन में थोड़ा
ऐसा कटना चाहिए, इस तरह कटना चाहिए, क्योंकि इसको देरा होती समय इसको दुबना नहीं चाहिए ना, इसलिए इसको थोड़ा ऐसा नाइफ से लाइन देना पड़ता है और दोनों साइड का भी, ताकि इसको बनाते समय गर्म नहीं होगा। इस तरह चाकू से लाइन देना पड़ता है, थोड़ा ऐसा काटना पड़ता है, तभी इसको अच्छे से बोल्डिंग कर सकेगा। इधर में लाइन दिया हुआ है, यहाँ से थोड़ा यहाँ तक जहाँ लाइन दिया हुआ है यहाँ तक नाइफ से काट के आना पड़ेगा, इस तरह धीरे धीरे से, नहीं तो जोर से करने से दो जाएगा। साइड में भी आना पड़ेगा, दोनों साइड में बहुत लाही लाही से ले आना पड़ता है, लाभ से कड़ी से खराब हो जाएगा। उसके बाद इसको धीरे से फोल्डिंग करके लेके आना है। अभी उसको काट दिया, उसको धीरे से इसको लाही लाही से ऊपर ऐसा उठा के लाना पड़ेगा। अभी हो क्या, उसके बाद ऐसा चुटका बेम्बू रस्सी रखना है पहला, तो एक बेम्बू रस्सी से बनना है, इसलिए इसको पहला और पानी से पहला इसको रेडी करके रखना चाहिए। अभी हो गया और इसको बोल्डिंग करना है, इस तरह बोल्डिंग होता है देखिए अच्छा से। उसके बाद में इसको लाही से ले आना है, उसके बाद फिर इसको भी इधर ले आना है। अभी हो गया और इसको बांधना है ठीक है आप लोग। उसके बाद इसको जीत करना है, उसके बाद और रूसी को यहाँ डालना है, फिर दूसरा नेक्स्ट में और भी चेक करना है। उसके बाद इसको अच्छा से टाइट से पकड़ के इसको फिर यहाँ डाल के रखती रहो, उसके बाद में इसको निकल। फिर दो बार इसको देगा, अभी इसको दो बार देना पड़ता है। अभी इसको बनना है, दोनों को ऐसा रोल करके रोल आप करके इसको इस तरह बनना है। देखिए अभी एक साइड तो रेडी हो गया, थोड़ा सा भी होल नहीं है, जेट नहीं है, और भी एक साइड बाकी है। तो पानी का बात में ऊपर में कसे के रखने के लिए एक रूसी इस तरह ये रूसी से बनाएगा, ये बेम्बू रूसी से। उसके बाद में फिर दो बार घुमा के बांधना है अच्छी तरह से। देखिए अभी इसको रेडी हो गया, उसके बाद इसको काट के देखना है। तो आप ऊपर में कसे के रखना है तो यहाँ कसे के रखेगा। अब इसको थोड़ा सजिंग करेगा, गात के बेकना है, थोड़ा लाइन सजिंग अच्छा से करना है, इसको थोड़ा देखना में सिंदूर करके इस तरह इसको गात के बेकना है। देखिए आप सभी देख रहा होगा अभी पूरा रेडी हो चुका है, इसको इस तरह का शेके रखना है। अभी ब्रेड हो गया, हम लोग नकल इस तरह बैला बोरभुज आदमी लोग ने इस तरह बना के हम लोग गा के आया है। अभी भी हम लोग बहुत साथ में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ खाना खाने से बहुत टेस्टी होता है, कितना अच्छा है। अभी कंप्लीट हो गया, अभी रेडी है, सिर्फ यहाँ खाना खाने का है, रेडी है। इस तरह हम लोग ब्लेड बांधते हैं दाली।
नींबू बड़ा इंडिया बना है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, मैं अमरा नकलिंग का अंदर में बेम्बू से क्या बनता है, बेम्बू से क्या क्या बनता है, मैं बहुत किस्म का बहुत डिजाइन का दिखाना है आप लोगों को शुरू से लेके आखिरी तक, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो को हमेशा याद कीजिएगा क्योंकि मैं इतना अच्छा अच्छा दिखाने वाला हूँ, तो हम सब के लिए फायदा होगा क्योंकि मैंने दिखाना है आप लोगों को शुरू से लेके आखिरी तक किस तरह बनता है, बहुत किस्म का दिखाना है, इसलिए मेरा वीडियो को हमेशा याद कीजिएगा। आज के लिए इतना है, जब तक के लिए जय हिंद।